just the grass. हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। कल एक पैटर्न फाइंड आउट किया था हमने, डेली चार्ट में बुलिश हरामी जैसा पैटर्न फॉर्म हुआ था और आज भी फिर से एक बार बाउंस बैक देखने को मिला है, लेकिन ये रिकवरी है। अभी तक बियरिश कैंडल का हाई कम्प्लीटली इसने ब्रेक नहीं किया है, इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,810 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,676। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ सेकेंड टारगेट के पास ऑलमोस्ट। तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता और जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ा और करेक्शन हमें देखने को मिला, जब ये बाउंस बैक हुआ तब ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 14,835 और सेकेंड टारगेट 14,857 ये भी यहाँ पर अचीव हुए। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे काफ़ी रेजिस्टेंस भी इस लेवल को इसने बाद में काफ़ी देर इस लेवल को ये पेनेट्रेट करता रहा और एग्जैक्ट जो ब्रेकआउट लेवल था यहाँ पर ये सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो लेवल्स फिर से एक बार काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। अभी ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। अभी कल यानी 3 मार्च को क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आर्ली चार्ट पर चलते हैं। आर्ली चार्ट में अभी हम देख सकते हैं ये तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर आके क्लोज हुआ है, लेकिन अगर डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में ये जो बेयरिश कैंडल बना है इसका हाई 14,919 के पास है। इसने एग्जैक्ट क्लोज उसी लेवल के पास दिया है, यानी बेयरिश कैंडल को ब्रेक नहीं किया है अभी तक। तो यहाँ पर कन्फर्मेशन मिलना अभी भी बाकी है। तो हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा आज का जो हाई बन रहा है उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 14,961 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,986, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,011, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हर्डल्स काफ़ी है, तीनों भी मूविंग एवरेजेस है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इन तीनों को कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए। और आज जो लोएस्ट क्लोज बन रहा है आर्ली चार्ट में, लोएस्ट क्लोज यानी अराउंड 14,811 के पास, इसको अगर ब्रेक करता है कम्फर्टेबली टूवर्ड साउथ की तरफ तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,793, यह हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,771, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज कल के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी के भी लेवल्स देखें तो काफ़ी आज एक्यूरेट साबित हुए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें तो एग्जैक्ट ऊपर की तरफ जब ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने के बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ा तो फर्स्ट टारगेट का जो लेवल था एग्जैक्ट इसी लेवल के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। नीचे जब आया तब ब्रेकडाउन लेवल के बाद फर्स्ट टारगेट का जो लेवल बन रहा था एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने दो बार सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया। तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी इंट्राडे लेवल्स आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए। अभी कल के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। अभी अगर कल के लिए अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी हो तो अभी ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है और अभी अगर ये आज का हाई अगर कम्प्लीटली ब्रेक करता है कल, यानी इन हर्डल्स को पार करने के बाद आज का जो हाई बन रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो कम्प्लीटली आज के हाई को ब्रेक करने दीजिए, यानी 35,732 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 35,811, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 35,897, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और ब्रेकडाउन लेवल सेम होगा क्योंकि हम देख सकते हैं आज काफ़ी पेनेट्रेट किया है आर्ली चार्ट में, अगर देखें तो इस लेवल को पेनेट्रेट किया, इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं हो पाया, तो सेम होगा ब्रेकडाउन लेवल और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35,040, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 34,955, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा।
तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए लेवल्स यानी 3 मार्च के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।